हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीवीएन चैनल। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम फ्रैक्शन को कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तीन डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, अगर आप ये तो क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने टेक्निकल मैथ वीवीएन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास पहली फ्रैक्शन है 7/17, 6/17, 9/17 एंड 11/17। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला स्टेप ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर्स इनके सेम हैं या डिफरेंट हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें आप 7/17, 6/17, 9/17 एंड 11/17, सो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हमें इसमें कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने इसको लिख लेना है। देखें, 6 हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर है, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को हम देख रहे हैं। 6 सबसे स्मॉलर है, 6/17, ठीक है, 7/17, 9/17 एंड 11/17। तो स्टूडेंट ये देख लें आप, इस तरह से मैंने इसको लिखा तो ये मेरे पास अब ये बन गई इक्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्मॉलर नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। तो फ्रैक्शन ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। ये किस में लिख दी, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप इसको ही अगर डिसेंडिंग में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, आपको जस्ट ये देखना है कि आपने इसकी जो अरेंजमेंट है उसको रिवर्स कर देना है। मतलब पहले आप लिखेंगे 11/17, फिर लिखेंगे 9/17, देन 7/17, देन 6/17, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई इक्वेशन, ठीक है, ये फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिफरेंट इसमें होगा कि उसमें न्यूमरेटर सेम नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक और। अब हमारे पास स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये है, इसमें हमारे पास देखें 2/3 फ्रैक्शन है, 5/6, 3/4 एंड 7/24। हम ये कर रहे हैं एलसीएम तरीके से। अब ये देखिए डिनोमिनेटर सबके ही डिफरेंट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। ये मैं पहले आपको ये एलसीएम लेके दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैंने एक और तरीका बताना है ताकि आप उस तरह भी इसको कर लें। ये देख लीजिए जी 4, और ये देखें 24। अब देखें ये जितने भी हम, ये सबसे बड़ा 24 है नंबर। अगर देखा जाए तो 3 इस पर इक्वली डिवाइड होता है, 3 8s are। अगर 6 से करें तो 6 4s are, ठीक है, अगर 4 से करें तो 4 6s are। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 24 है, सबसे बड़ा है, जबकि इसका एलसीएम भी हमारे पास 24 ही आएगा, एलसीएम भी 24 ही आएगा जब हम इसका निकालेंगे। तो सिंपली हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें ये करना है 2/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 को जब 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 8s are। तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है, 5/6 मल्टीप्लाई 6 4s are, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखें 3/4, तो 4 4 6 are, कितना होता है 24, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ पे 7/24, 24 का 24 ही आएगा, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16/24, बन गया ना 24 नीचे। ये देखें जी 20 5/4 20/24 एंड 3 6/18/24 एंड 7/24। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको अब लिखेंगे, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले डिनोमिनेटर्स देखने हैं, क्योंकि नीचे जो ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स देखने हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स तो सेम है। पहले आ जाएगा 7/24, फिर आ जाएगा 16/24, देन आ जाएगा हमारे पास 18/24 एंड देन आ जाएगा हमारे पास 20/24, और ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया, ये सबसे स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर। अब आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस आई थी 7/ ये देखिए 7/24 आएगा पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए, उसके बाद हमारे पास 16 किससे आया था, 2/3 से, ठीक है, और उसके बाद 18 किससे आया था, 3/4 से, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 20/24 किससे आया था, 5/6 से। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास ये वाली जो अरेंजमेंट होगी ये होगी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ये सारा असेंडिंग ऑर्डर है।
अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी इक्वेशन को हम इसी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं हम 5/6, 3/4, 2/3 एंड 7/24। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है पहले, हमने इसी ये जो हमारे पास ये ली वाली थी इसी को हमने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, एक और हमारे पास ये है क्वेश्चन, इसको भी हम करते हैं। अब आप इसमें देखिए डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट हैं, ये देखें सबके ही डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो हमने अब क्या करना है, पहले तो इसका लेंगे एलसीएम। अब देखें ये 520 पे डिवाइड होता है, 8 नहीं होता 20 पे डिवाइड, तो हम इसका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमें लेना पड़ेगा 5, 8, 10 एंड 20। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे करेंगे, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 एज इट इज़, 2 4s are 2 5s are 2 10s are। अगेन 2 पे जाता है, 5 एज इट इज़, 2 पे 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ठीक है। अगेन 2 पे 5 एज इट इज़, 2 1s are 5 5। अब 5 पे निकाल देते हैं, 5 1s are 5 1s are 5 1s are 5 1s are। अब सिंपली आपने क्या करना है, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 5s are 40। इसका एलसीएम जो हमारे पास बनेगा वो 40 आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम हमारे पास 40 है। अब ये देखें जी 4 by 5, अब इस 5 से इस 40 को डिवाइड करें तो 5 8s are 5 8s are, तो 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। अब इस 8 से इसको डिवाइड करें, 8 5s are, तो ये देखें ये है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 5 आंसर आ रहा है। ये देखें जी 8 5s are, तो 3 multiply 5 8 multiply by 5। अब इस पे देखिए 10 10 4s are, तो 7 multiply 4 10 multiply 4 22s are 40 11 multiply 2 2 multiply 20। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, 4 2s are, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 4 8s are 32 divided by 40। अब देखें 3 5s are 15 divided by 40, 4 7s are 28 divided by 40, 11 2s are 22 divided by 40। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो सिचुएशन आई वो ये है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्मॉलर 15/40, ठीक है, उसके बाद 22/40 एंड उसके बाद 28/40, उसके बाद 32/40। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि इसको हमने कैसे करना है, कि ये तो हमारे पास ये बन गई। अब आप ये देख आसानी से इसको कर सकते हैं कि ये देखिए आपके पास ये आंसर किस किस फ्रैक्शन से आए थे। ये देखिए जी, अब आपके पास 15 यहाँ पे आया, 15 आया 3/8 से, 3/8 आएगी पहले, फिर उसके बाद आया 22 किससे आया था, 11/20 से, उसके बाद आपके पास 28 है, 28 हमारे पास आंसर किससे आया था, 7/10 से, और उसके बाद 32/40 हमारे पास किससे आंसर आया था, 4/5 से। ये हमारा इजीली असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी वैल्यू, वो हमें यहाँ से भी पता लग जाएगा कि हमारे पास किस किस वैल्यू से ये आंसर आ रहा है। अब हम सिंपली इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये देखें जी 4/5 7/10 11/20 एंड 3/8, ये आ जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इजीली हर हर फ्रैक्शंस को कर सकते हैं हम अरेंज, और ये मैंने जो आपको मेथड करवाया है ये है एलसीएम बाय एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से हमने इसको किया है, इसको एलसीएम मेथड से भी कह सकते हैं, इसको हम जैसे मर्जी, मतलब ये एक तरीकाकार है, परफेक्ट तरीकाकार है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम ऐसे कर लें। तो इस तरह से इसको मुकम्मल तरीके से हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स।